अक्सर यह देखा जाता है कि कई सारे बच्चे केवल अपने माता पिता के प्रेशर में साइंस ले लेते हैं और बाद में इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनका इसमें कभी कोई मन नहीं होता, जिसके बाद अधिकतर छात्र इंजीनियर की पढ़ाई के बाद सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एक इंजीनियर के छात्र ने नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी की और 13वीं रैंक हासिल कर IAS बने, जिनका नाम है वर्णित नेगी। IAS की तैयारी करने से पहले भी वर्णित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में बतौर इंजीनियर कार्यरत थे। वर्णित ने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर IAS की तैयारी शुरू की। वर्णित छत्तीसगढ़ के जशपुर से है, वहीं से प्राइमरी एजुकेशन ली। इसके बाद बिलासपुर में DAV पब्लिक स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की, 11वीं और 12वीं कोटा राजस्थान से किया। इसके बाद NIT से सिविल इंजीनियरिंग कर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में इंजीनियर की नौकरी हासिल कर ली। नौकरी भी कर रहे थे और IAS बनने का ख्वाब भी मन में पाल रखा था। फिर हिम्मत कर मार्च 2016 में नौकरी से इस्तीफा देकर तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि पहले अटेम्प्ट में वर्णित का मेन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। दूसरी बार में 504वीं रैंक मिली। इस रैंक के मुताबिक उन्हें असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का पद दिया गया, लेकिन वह खुद इससे खुश नहीं थे। तब उन्होंने अपने दूसरे अटेम्प्ट दिया, फिर तीसरा, और तीसरे अटेम्प्ट में 13वीं रैंक हासिल हुई। यह तो थी इनकी कहानी, लेकिन कुछ अहम बातें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, जैसे UPSC की तैयारी के लिए हमें सोशल मीडिया से बाहर आना होता है। तैयारी के दौरान लोगों से कटकर रहते हैं, फैमिली का मानसिक रूप से सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। UPSC की तैयारी में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी एक हार्ड वर्क की तरह ही है। स्मार्टली तैयारी के साथ धैर्य और निरंतरता भी जरूरी है। तैयारी के दौरान मन के हिसाब से चले, पढ़ाई का मन हो तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। कैंडिडेट्स याद रखें, ये बहुत टफ कंपटीशन है। इसमें IIT, मेडिकल और CA के टॉपर्स आते हैं। अब आपको यह तो समझ आ गया होगा कि अधिकतर इंजीनियर अपनी पढ़ाई के बाद सिविल सेवा की तैयारी क्यों करते हैं। अगर आप भी IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी किताबों की जरूरत तो होगी ही। तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट UPSC एग्जाम, मुझे बनना है UPSC टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल IAS ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां, ऐसे फॉर UPSC सिविल सर्विसेज, लैंडमार्क जजमेंट्स और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। आप इन सभी किताबों को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। UPSC की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है UPSC 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। IAS डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें UPSC CSAT, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें UPSC एग्जाम।